Hello students, how are you? I hope you all are fine. I think my previous lecture is clear to you. So today we will discuss the next part of the chapter. So welcome to my next lecture. Grade 5, chapter number 2, topic living style in animals. In the previous lecture, we discussed about the breathing. So today we will discuss about the feeding and movement. So let's start feeding. All the animals need food to grow, to get energy and to remain healthy. हर animals को खाने की ज़रूरत होती है growth के लिए, energy के लिए और healthy रहने के लिए. अब different different animals को different different kind की food की requirement होती है और इवन डिफरेंट माउथ्स पार्ट होते हैं हर एनिमल्स के अलग अलग उनके फीडिंग स्टाइल के हिसाब से. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया देर आर थ्री टाइप ऑफ द एनिमल, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स. हर्बीवोर्स आल्सो नोन एज प्लांट ईटिंग एनिमल्स, जो प्लांट्स को खाते हैं. दे हैविंग शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड द बाइटिंग. उनके जो फ्रंट टीथ है वो शार्प होते हैं. They have strong broad teeth at the back for the chewing. And जो back वाले जो teeth होते हैं वो उनके broad होते हैं for chewing के लिए. Example, cow, horse, goat, giraffe, camel. ये सभी animals इस type के teeth रखते हैं. Okay? And these animal eat grass or shrub or leaves of the tree. ये जो animals होते हैं वो grass खाते हैं या फिर श्रब्स खाते हैं या फिर लीव्स खाते हैं जो भी ट्रीज की होती है. ओके, सो दीज आर द हर्बीवोर्स एनिमल्स. ओके, सो इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कार्निवोर्स. ओके, आई होप दैट हर्बीवोर इज क्लियर टू यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट. एनिमल्स like lion, tiger, cat, dog, these are the carnivores. ये वाले animals कौन से होते हैं? Carnivores. Why? Because they eat meat. ये meat और flesh खाते हैं. अब meat और flesh खाने के लिए इन्हें क्या चाहिए? Sharp pointed teeth चाहिए ताकि ये tear कर सके meat को. And they also have strong grinding teeth to chew the meat and the bones. Okay, after that flesh eating birds. कुछ birds ऐसे होते हैं जो कि flesh खाते हैं, तो उनके क्या होता है? Sharp strong curved beak होती है, जो उनकी चोंच होती है वो बहुत ही sharp होती है ताकि वो क्या कर सके? Tear कर सके flesh को. और जो उनके claw, जो पंजे होते हैं वो भी बहुत sharp होते हैं ताकि वो prey को, अपने शिकार को easily catch कर सके. Eagle and vulture are such birds of the prey. ये examples हैं flesh eating birds के. Okay, after that animals like rabbit, rat, these are having long and sharp front teeth. Okay, जिनके front teeth होते हैं वो बहुत ही long होते हैं और sharp होते हैं, और इन animals को हम कहते हैं rodents. Okay, after that butterflies have ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द माउथ. बटरफ्लाइज की माउथ में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है सो दैट दे कैन सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर. ओके, एंड अ मॉस्क्यूटो हैज़ अ नीडल लाइक टंग टू पर्स द स्किन ऑफ अदर एनिमल एंड सक इट्स ब्लड, ताकि वो इजिली ब्लड चूस पाएँ दूसरे एनिमल्स से. सम एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ दे आर नोन एज ओमनीवोर्स, लाइक human being, bear, crow. Okay, so next is the movement. Animals have to move about in search of the food. Animals को अपने खाने की तलाश में घूमना पड़ता है और अपने आप को खतरे से बचाने के लिए भी यहाँ वहाँ घूमना पड़ता है. ओके, एंड डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट डिफरेंट वे. हर एनिमल्स अलग अलग वेज में मूव करते हैं. Mammals have four well-developed legs, okay, and most of them use all four legs to move. और ज़्यादातर वो सभी
फोर लेग्स मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं. सो कैन यू नेम अ मैमल विच वॉक ऑन टू लेग्स? एनिमल विद डिफरेंट फीडिंग हैबिट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फीट फॉर द मूवमेंट. अलग अलग एनिमल्स की फीडिंग हैबिट के हिसाब से उनके अलग अलग फीट होते हैं मूवमेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, लॉयन एट्सेट्रा हैव पैडिड फीट. उनके फीट्स के नीचे एक सॉफ्ट पैडिड स्ट्रक्चर होती है सो दैट दे कैन साइलेंटली अटैक एंड कैच दियर प्रे. ईजिली वो अपने शिकार को पकड़ पाए. एंड ग्रास ईटर लाइक हॉर्स, काओ, डियर, गोट दे हैव हार्ड फीट टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन द लैंड, ताकि वो काफ़ी लंबे डिस्टेंस को कवर कर सके. ओके. एंड अ कैमल दैट हैज़ लॉन्ग लेग. अब उनके पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं कैमल्स के. एंड अ पैडिड फीट सो दैट इट कैन वॉक एंड रन ऑन सैंड, ताकि वो सैंड पे काफ़ी मीलों मील्स तक डेजर्ट में चल सके. एंड इट ऑल्सो हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक. हम्प क्या करता है? हम्प स्टोर करता है फैट को, ठीक है, जिसको कैमल यूज़ करता है जब उसे खाना नहीं मिलता काफ़ी लंबे टाइम तक. ओके. एंड अ कैमल कैन ऑल्सो स्टोर वाटर इन इट्स स्टमक. कैमल पानी भी स्टोर कर सकता है अपने स्टमक में. दस इट कैन ट्रैवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस इन अ हॉट ड्राई डेजर्ट विदाउट फूड एंड द वाटर. इसलिए वो काफ़ी लंबे टाइम तक एक गर्म एरिया में चल सकता है बिना खाने और बिना पानी के. सो द लास्ट, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव पैडिड फीट, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैव हार्ड हूफ्ड फीट, एंड कैमल्स हैव लॉन्ग लैगिंग पैडिड फीट सूटेड फॉर द वॉकिंग ऑन सैंड. ओके. सो नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके. सो टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक यू.